अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सईद नवाज, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सईद नवाज ऑफिशियल में। शानदार तरीके से उन्होंने ओपनिंग किया, बहुत ही लाजवाब। और मैं सलाम पेश करता हूं, अपना प्रणाम पेश करता हूं। मैं सबसे पहले अपने पैसा बुनपुर के नौजवान युवा साथियों का बहुत तहे से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे समर्थन किया, सहयोग किया। और विशेष तौर पर मैं बड़े भाई अबू तालिब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि खेल जिस तरह स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस में आपसी भाईचारा को बढ़ाता है, उसी तरह तीसरे नंबर में खेल है। खेल से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे के बीच में भाईचारा बढ़ता है और खेल से लोगों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी होता है। इसलिए मैं बैसाबुनपुर के तमाम आवाम से कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आप लोगों ने मुझे बजट के साथ साथ सहयोग किया, आज मैं आप तमाम आवाम से पूरी रात सहयोग मांगता हूँ कि इस खेल को मैं सफल कर सकूं और बैसाबुनपुर गांव की पूरा नाम पूरे कटिहार जिला में घूमना चाहिए। इन बातों से मैं समय के मद्देनजर रखते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, लव यू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे यहाँ पे बहुत सारे जिम्मेदार लोग खड़े हैं, नजीबुर रहमान जो पूर्व हमारे मुखिया है इस पैसा गोविंदपुर पंचायत के जानब से, बहुत दिन इस शासन के हमारे समाज में, मैं उन्हें भी गुजारिश करना चाहूंगा दो शब्द कहें और किस तरह से बच्चे का मन को बढ़ाया जाए और आगे इन फ्यूचर में समाज में क्या करना चाहेंगे इस बच्चे के भविष्य के लिए, दो शब्द कहेंगे प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस नेहरू युवा क्लब पैसा गोविंदपुर की तरफ से वॉलीबॉल का आयोजन किया गया है। मैं सभी आयोजनकर्ता को तहे दिल से धन्यवाद शुक्रगुजार सलाम पेश करना चाहता हूं। और आप लोग जो खेल का आयोजन किए हैं, मैं सभी दर्शक बंधुओं से आग्रह करूंगा कि आप लोग खेल का आनंद किसी भी प्रकार का वाद विवाद में ना उलझे। अगर किसी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत है तो हमारी कमेटी की है, आप उनसे इस बात का जो है क्लियरिफिकेशन कर सकते हैं। और जहाँ तक खेल के बारे में हमारे छोटे भाई काजिम ने बताया है कि खेल भी एक लाइफ का समझिए कि बहुत सफलता है, क्योंकि खेल से बहुत करियर भी बनता है। आप लोग उस मकसद से खेल खेलिए और हर साल तो खेल होता ही अपने पंचायत में। मैं कोशिश करूंगा कि इससे भी बड़ा से बड़ा खेल का आयोजन मैं कर सकूं। और इसी के साथ मैं अपना बात कहूँगा जी को समाप्त करता हूँ। अब मैं मंसूर साहब जो जिला प्रकोष्ठ साहब हैं, मैं उनके भी कई देर से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे यहाँ पे जो रिजनेबल प्रसाद और मास्टर साहब सादिक साहब बोले तो तालियों के साथ हम वहाँ से आप जाए करें, इस तरह से हमारे सहयोग करने के लिए भारत में बिल्कुल मेन से व्यवहार होकर यहाँ पे मौजूद हो। मैं उन्हें भी कहूँगा कि गेंस करने के लिए उत्साह बढ़ाने के लिए दो शब्द कहें हमारे बच्चे को। अस्सलाम वालेकुम, धन्यवाद। जो हमारे वैसा गोविंद के युवा क्लब द्वारा आज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और बहुत ही अच्छी बात है, पूर्व में भी इस तरह का आयोजन होता रहा है इस धरती में, आज फिर पुनः उसकी पुनरावृत्ति की गई है, ये बहुत ही अच्छा बात है। और मेरे बच्चे अभी बताए बाजी जी ने कि खेल जो है ये भी एक शिक्षा का एक अंग है, इसमें शारीरिक व मानसिक दोनों तरह का विकास इसमें होता है और ये होना चाहिए, खेल को बरकरार रखना चाहिए, खेल को खेल के भाव से देखना भी चाहिए, खेलना भी चाहिए, इसी भी किसी भी तरह से कोई भी जो है वाद विवाद में ना उलझे और सफलतापूर्वक इस खेल को संपन्न करें, बनाने का प्रयास और कामयाबी मिली है। सर्विस रूप में कामयाबी मिलती हुई जीरो सर्विस, जीरो जीरो की सर्विस मयूरपुर के जानब से काफी चतुराई से काफी समझदारी से हिट करना, अपनी क्षमता है खुलत है उनको बचा के रखना, क्योंकि अंत भला तो सब भला, क्योंकि हट जाए खिलाड़ी को डिस्टर्ब ना करे, थोड़ा सा हट के भी बैठे अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अपना स्पेस लेके ही खेलेगा, थोड़ा सा हट के भी रहेंगे। और यहाँ पे और लाइन ऑफ कंट्रोल से भटकता हुआ सर्विस कराने में कामयाब, थोड़ी सी परेशानी है अभी स्टार्टिंग में, बहुत ही गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसके बाद गर्म होने के बाद फिर वो चलना देखने को जरूर मिलेगा।
अभी दोनों ही बिल्कुल कम नहीं है, काफी सोच जरूर टीम है और बिल्कुल आके विट करने का प्रयास। और यहाँ अंपायर जो है हमारे काफी चौपन्य अंपायर है, उन्होंने देखा लाइनअप कंट्रोल से भटक गया, पूछो यहाँ सही है, सही डिसीजन दिया, सही डिसीजन दिया, आपस बोल गए नहीं सही है, सही डिसीजन दिया, हम लोग देख रहे हैं सही डिसीजन है नहीं। नहीं नहीं सही है डिसीजन, सही है, हम लोग भी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, फिर आप जीरो जीरो की सर्विस, जीरो जीरो की सर्विस और करने का प्रयास और करके भी दिखाया लेकिन कामयाबी नहीं हुई। रन जीरो की सर्विस मैहरपुर के जानिब से, मैहरपुर का खाता खोलने में कामयाब, भले ही गलती उन्होंने किया लेकिन इन्हें फायदा मिलता हुआ वो काम दिखने का दाम। अब देखने वाली बात यह है कि किस अंदाज से इस मैच को अंजाम तक पहुंचाने का जो बुलाउट है और क्या बात है, लंबे कद के खिलाड़ी ने ब्लॉक किया रन और उनका फायदा मिलता हुआ 2-0 की सर्विस मैहरपुर के जानिब से। शमशेरगंज को चाहिए किस बड़ी समझदारी से खेले और समय समय के खेले क्योंकि आपकी जो विपक्षी टीम है काफी मिस्ट है, काफी अनुभवी अंपायर है, क्या बात है, बिल्कुल पहले नजर रखते हैं, जरा सा भी चूकते नहीं है और उन्हें करके दिखाया। 0-2 की सर्विस शमशेरगंज की जानिब से, शमशेरगंज काफी लाजवाब खेलते हैं हम खेल का और यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग खेल दोनों के बीच चलता हुआ। सर्विस सेंटर पे 2-0 की सर्विस नहारपुर के जानिब से, नहारपुर काफी लाजवाब खेल और यहाँ पे बना बनाया मौका बिल्कुल निराला और यहाँ पे टच कर बैठे उनका फायदा देता हुआ, क्या बात है। कंटिन्यू सर्विस रूप में 3-0 की सर्विस नहारपुर, नहारपुर की स्थिति काफी लाजवाब, शुरुआत का जो स्टार्टिंग इतनी स्टार्टिंग बहुत ही लाजवाब तो अंजाम भी बहुत ही बेहतर वॉल्यूम और दबाने का प्रयास किया पहले से मौजूद और करने का प्रयास यहाँ पे धीरे धीरे कोई भी तैयार नहीं और आयाद लेने का प्रयास और तोर वीडियो हो जी अपने मन करता हुआ समझदारी का परिचय देते हुए फिर जीरो की सर्विस मैहरपुर की जानिब से और याद रहने के प्रयास लेकिन सर्विस कामयाब। शमशेरगंज, शमशेरगंज अभी तक खाता भी नहीं खोला है, उन्हें चाहिए कि किसी तरह खाता खोले, जीरो का आंकड़ा से पार हो लेकिन शायद मैहरपुर ऐसा होने नहीं देगा क्योंकि बड़े सुलझे सुलझे खिलाड़ी है, सुलझे टीम है, बिल्कुल समय समय के खेलते हुए जरा समझते लंबे करके खिलाड़ी है और बिल्कुल कोई मौका नहीं देते, जो बाहर बॉल चलेगा फिर अंदर करवा दे और यहाँ पे धीरे धीरे खेल का नजारा दिखाता हुआ धीरे धीरे प्रयास और लंबे करके खिलाड़ी ने रोक ली, बड़े हिट किया और कामयाबी मिली, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल से भटकने का प्रयास, तब भी अपने आप को रोका और अपने बैलेंस को बरकरार रखा। फिर जीरो की सर्विस मैहरपुर के जानिब से, अभी का जो रफ्तार है मैहरपुर की स्थिति काफी अच्छी लेकिन क्या बात है, जवाबी हमला करते हुए 0-3 की सर्विस, 0-3 की सर्विस शमशेरगंज, शमशेरगंज, शमशेरगंज को भी चाहिए कि खाता खोले लेकिन शायद उनका बातों का असर ना होता हुआ लेकिन उनका जवाबी हमला करते मैहरपुर रोकने का काफी जद्दोजहद करने का प्रयास। अभी छोटे कपड़े खिलाड़ी ने रुक किया लेकिन अरे हाथ लेने का प्रयास, हाथ को चूमता हुआ धारता हुआ गोंद के बाहर चले गए, इनका फायदा मिलता हुआ 3-0।
मंगलपुर के जानब से पूरी जीरो की सर्विस और क्या जवाबी हमला करते हैं मानी है जो कि काफी लाजवाब काफी छोटे छोटे खिलाड़ी है लेकिन इसका हुनर बोलता है दोनों का ब्लॉक को चीरते हुए फाड़ते हुए जाके भर्ती को चुन ले दिया और यहाँ पे होने का प्रयास लेकिन सर्विस चेक दिखाया पूरी जीरो की सर्विस नवारपुर पूरी जीरो की सर्विस इन खत्म हो गया क्या इन खत्म हो गया है इन खत्म हो गया क्या इंक थोड़ा सा भिजवाएंगे वहां तक उस पर इस पर बोर्ड के पास में इंक भिजवाइए इंक भिजवाइए वही पर होगा इंक साहब वही पे देखिए इंक होगा फोर जीरो की सर्विस फोर जीरो की सर्विस नहारपुर की जानिब से और अरे हाथ लेने का प्रयास लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल से भटकता हुआ मानुल अपने पूरा तत्व क्षमता को रोक नहीं पाए और बिल्कुल बाउंड्री के बाहर दे मारा फाइव जीरो नहारपुर की जानिब से फाइव जीरो की सर्विस अब ये नई प्लानिंग करते हुए नई स्ट्रेटेजी अपनाते हुए किस तरह से मैच को जीता जाए दोनों खेलों में काफी संगीन काफी प्लानिंग चलता हुआ हम किनके प्लानिंग कहाँ सूट बैठता है वो देखना दिलचस्प रहेगा उन्हें चाहिए कि वापसी करें लेकिन शायद ऐसा मुमकिन नहीं क्योंकि उनके जो विपक्षी टीम है काफी मजबूत और यहाँ पे शायद कुछ गलतियां कर बैठा और इनका फायदा मिलता हुआ जीरो फाइव की सर्विस शमशेरगंज जीरो फाइव की सर्विस शमशेरगंज शमशेरगंज अभी खाता नहीं खोला और अभी भी काफी लंबे तक की खिलाड़ी और हाथ लेने का प्रयास और यहाँ पे पहले से खिलाड़ी मौजूद अभी ये देखने वाली बात है ऑफ लंबे के लंबे का फायदा उठाते हुए बाहर से भी दबा दिए इनसे बेहतर दबाने का एहसास इनका एक्सपीरियंस किसके पास होगा प्ले में फाइव जीरो नहारपुर के जानिब से काफी लाजवाब खेल आई बड़ा बनाया मौका बना बनाया खाना खाने मिला तो यकीनन कौन छोड़ना चाहेगा ऐसे ही हुआ सिक्स जीरो की सर्विस नहारपुर के जानिब से कंटिन्यू सर्विस सिक्स जीरो नहारपुर के जानिब से काफी लाजवाब काफी लंबे गति खिलाड़ी होगी उनका लंबाई का फायदा उठाते हुए और यहाँ पे लाइन अप कंट्रोल से भटकते हुए और वहां पे बड़े जद्दोजहद करता हुआ बॉल को ऑफ ही करवाया और ये ऑफ ही करने का नतीजा अब किसके खेमे में जाती है और इन्होंने कर दिखाया और ये बिल्कुल हवा में लहराते हुए लाइन्समैन ने इशारा किया कि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल से निपट चुका है और इनका फायदा मिलता हुआ सिक्स जीरो की सर्विस शमशेरगंज के जानिब से नहारपुर काफी लाजवाब स्थिति में पहुंचता हुआ शमशेरगंज का अब तक खाता भी नहीं खुला ये सारा जब मेहनत जाता हुआ और ये नहीं और शानदार शानदार तरीके से और यहाँ पे खेलों के बीच चलता हुआ भीमाशन लेकिन भीमाशन क्या चलेगा जीरो क्या अभी तक खेला हाथ खेला भी नहीं है जीरो सेवन की सर्विस शमशेरगंज के जाने से शमशेरगंज अभी क्षमता बचाए रखा है तो अंत में जाके इसका प्रयोग करेगा लेकिन अगर समय रहते ही सारा कुछ होता है समय रहने के बाद समय निकल जाने के बाद कोई फायदा नहीं होता सेवन जीरो की सर्विस मैहरपुर के जाने से मैहरपुर धीरे धीरे रफ्तार में दाखिल करता हुआ और हमला करता हुआ उनकी जवाबी हमला करते हुए वहां से छटकता हुआ सर्विस सिलसिला में दिखा गया ये चौधरी का सिलसिला ये भी चलता हुआ शमशेरगंज वर्सेस मैहरपुर के जानिब से अब ये सिलसिला कहां तक जाके रुकेगी वो देखना दिलचस्प रहेगा और यहाँ पे पीछे से खिलाड़ी आके कट मारना चाहा कुछ ज्यादा ही कट कर दिए इनका फायदा ये आगे बहुत अर्से के बाद वन खाता खोला वन सेवन की सर्विस शमशेरगंज देर आए दुरुस्त आए कोई बात नहीं लेकिन हमला करते हुए सर्विस सेंटर में कामयाब सेवन वन की सर्विस सेवन वन की सर्विस मेहरपुर के जानिब से देर आए दुरुस्त आए किसी तरह खाता भी तो खोला अब धीरे धीरे रफ्तार में इजाफा होना तय है अभी देखने वाली बात यह है कि किस नए अंदाज से वो खेलने का जो क्रम किया है अभी अंजाम तक पहुंचाने का जो श्रेय लिया है कहां तक पहुंचा पाते हैं ये धीरे धीरे हवा में
चौकट करवाते हुए बड़े जोर से धक्का मारने का प्रयास, लेकिन यहाँ पे कामयाबी मिली। सर्विस चेंज करने कंटिन्यू कराने में कामयाबी, एट वन की सर्विस बड़े अरसों के बाद कंटिन्यू होना नसीब हुआ। एट वन की सर्विस महापुर के जानिब से महापुर और वो भी निकल दिखाया, लंबाई का फायदा उठाते हुए कंटिन्यू कराने में कामयाब। बना बनाया खाना टूट छोड़ना चाहेगा, रोगी लंबे करके खिलाड़ी अरे हाथ लेने का प्रयास, एक बीमार उधर दूसरी बीमार, अब दोनों हाथ जो लंबे करके फायदा उठाने के लिए बिल्कुल तत्पर है। और यहाँ पे खिलाड़ी पहले से मौजूद, लेकिन यहाँ पे बॉल पकड़ना मुनासिब नहीं समझा और बाउंड्री के बाहर सर्विस चेंज करने में कामयाब। 19 की सर्विस शमशेरगंज किसी तरह खाता खोला, उन्हें चाहिए कि रन दे जा सकते हैं। क्या बात है, शानदार और दमदार तरीके से हिट किया, बड़े हाथ लेने का प्रयास, ड्रॉ करने का प्रयास, लेकिन नाकामी हुआ। 9-1 की सर्विस, अब यहाँ पे ढकेलने का प्रयास, लेकिन बॉल को शायद मंजूर नहीं, वो जाके अपनी टीमों में गिरना मुनासिब समझा, बॉल को धरती को चूर दिया। सर्विस महापुर के जानिब से काफी लाजवाब खेल दोनों के बीच, क्या बात है। महमूल के अंदर में जो थोड़ी सी नर्वस आता हुआ, किस तरह से मैच को जीता जाए, बहुत टेंशन में उनके खेमे में काफी टेंशन होंगे, क्योंकि दूरी जाए वो बिल्कुल अरे हाथ लेने का प्रयास, लेकिन कोई बात नहीं, किसी भी तरह से आने से मतलब है, लेकिन थोड़ा तालमेल में कमी रहेगी मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से। अभी 111 की सर्विस, 111 की सर्विस, 111 ठीक है, शमशेरगंज की जानिब से काफी लाजवाब खेल, अभी रुक करने का प्रयास और कामयाबी मिली। अरे आपने क्यों देखा, थोड़ा और था जिसमें, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा होता है, कोई बात नहीं है, दर्शक कोई रहेंगे उस तरह होता है, इंजन होता है, कोई बात नहीं है, उछल कूद करते हुए थोड़ा नसीब उधर चढ़ जाता है, कोई बात नहीं है, ठीक हो जाए। तो खिलाड़ी थे इंजर्ड हो चुका है, और 111 की सर्विस शमशेरगंज का एक प्लस पॉइंट है, जो उनका खिलाड़ी है वो इंजर्ड हो चुका है, तो शायद उनका भरपाई वो नहीं कर पाएगा दूसरा खिलाड़ी, उनका फायदा शायद शमशेरगंज को मिलेगा, लेकिन शायद ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि सदर स्टार जो है महारपुर सारे सातों के साथ बिल्कुल स्टार है, जहां से भी मौका बता रही है अरे हाथ लेने का प्रयास, और मैनेज है उधर जरा सा भी हिम्मत लगा के हिट किया और उन्हें कामयाबी मिली। 111 की सर्विस शमशेरगंज 111 की सर्विस, अब देखना दिलचस्प रहेगा कि किस तरह से मैच की वापसी करते हैं सबसे ज्यादा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हिम्मत को बढ़ाते हुए अब धीरे धीरे रफ्तार में जा पाता हुआ अरे हम लेने का प्रयास, यहाँ पे आधे खिलाड़ी पहले से मौजूद और यहाँ से उठाने का प्रयास, लेकिन थोड़ा सा पीछे रह गए, उनका फायदा मिलता हुआ कंटिन्यू सर्विस के रूप में 211 की सर्विस शमशेरगंज, बड़े अरसों के बाद उन्होंने खाता थोड़ा सा रनों का इजाफा होता हुआ शमशेरगंज, देर आए दुरुस्त आए, अब देखने दिलचस्प रहेगा किस तरह से वापसी करती है, क्योंकि खेल अनिश्चितता का खेल है और ये करके दिखाया काफी हिट किया, लेकिन इनका फायदा ज्यादा कुछ नहीं ना मिलता हुआ, सर्विस कंटिन्यू कराने में शमशेरगंज तैयार। 311 की सर्विस, अभी रिप्लेस किया गया, हिट करने का मौका दिया गया, अभी किस तरह से हिट करके अपने खेल को अपने खेल में करने का प्रयास, और यहाँ पे तैयार जो नैल प्रति खिलाड़ी छोटे के भी खिलाड़ी ने हिम्मत दिखाते हुए और हल्के हाथों से प्रयास, आपका वाला में बड़ा सम्मान देने का प्रयास, लेकिन यहाँ पर ऐसे खिलाड़ी मौजूद और हिट किया और यह कामयाबी मिली, बड़े अरसों के बाद सर्विस का सिलसिला चलता हुआ। 11-3 की सर्विस महारपुर की जानिब से, महारपुर काफी लाजवाब खेल खेलता हुआ, थोड़ी सी कमी खेलता हुआ, क्योंकि कमी जो मेन है जो प्लेस करने वाला खिलाड़ी जो मेन खिलाड़ी है थोड़ा सा इंजर होने के कारण उसका बाहर बैठ पड़ा, अभी दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि जल्द स्वस्थ हो और फिर से दोबारा मैदान में उतरे।
थ्री इलेवन की सर्विस, इलेवन थ्री की सर्विस महरपुर के जानब से। महरपुर अभी भी काफी मजबूत स्थिति में है, जब तक तुम बैठे और कंटिन्यू सर्विस कराने में कामयाब, कंटिन्यू सर्विस कराने में कामयाब। ट्वेल्व एट की सर्विस, ट्वेल्व थ्री की सर्विस, ट्वेल्व यहाँ पे चुनने में प्रयास, लेकिन बहुत शायद देखना हवा में हुए ना मुनासिब नहीं समझा, धरती को चुनने दिया और कंटिन्यू कराने में कामयाब। फोर्टीन थ्री की सर्विस महरपुर के जानिब से। अब यहाँ पे देखना दिलचस्प रहेगा कि किस तरह से और क्या शानदार तरीके से हिट किया और ब्लॉक भी लाजवाब तरीके से करता हुआ। अब ये किसके खेमे में जाती है, क्योंकि यकीन है अपने खेमे के लिए अच्छा और यहाँ पे बहुत लाजवाब और शानदार तरीके से हिट किया और लेकिन अंदर नेट कर बैठे, इनका फायदा पूछना मिलता हुआ। फिर थर्टीन की सर्विस शमशेरगंज, शमशेरगंज में के स्कोर बोर्ड में धीरे धीरे जाता है और क्या लाजवाब तरीके से आपका इनका यही चीज का दरकार है, जिस चीज के लिए जाना जाता है कि मैं वो करके दिखाया और लाजवाब तरीके से हिट किया। थर्टीन की सर्विस, थर्टीन थ्री की सर्विस में वारपुर के जानिब से। अब ये थोड़ा सा खेल में आप इन्वॉल्व होता हुआ और यहाँ पे कंटिन्यू कराने में कामयाब। थ्री थर्टीन की सर्विस शमशेरगंज, थ्री थर्टीन की सर्विस डॉक्टरगंज जवाबी हमला करते हुए। अभी देखा दिलचस्प रहेगा किस तरह से वापसी करती है, क्योंकि अभी शमशेरगंज की जो स्थिति है काफी लाजवाब स्थिति आ रही है और यहाँ पे लेने का प्रयास और राइट बॉल, राइट बॉल करार दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई था नहीं और बड़े चतुराई से बॉल को धकेल दिया। हर बार बॉल में हिट करना जरूरी नहीं समझा, अपनी क्षमता को बचाए रखा, जब जरूरत पड़ेगा तो भरपूर उसका प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पे बैक टू बैक प्रयास हिट किया, लेकिन पहले से खिलाड़ी मौजूद, अभी ये मौका है और इन्हें मौका से अवकर दिखाया और यहाँ पे लाइनअप कंट्रोल से भटकता हुआ आपका दो नंबर के जर्सी है, उन्होंने कल दिखाया लेकिन कुछ कमी रह गई सर्विस चेंज कराने में कामयाब। थ्री टाटिन की सर्विस शमशेरगंज के जानिब से, बॉल बाहर चलेगा, बॉल अंदर करवा दे। थ्री टाटिन की सर्विस शमशेरगंज के जानिब से, शमशेरगंज की वापसी में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, किस तरह से वापसी करें ये समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो महारपुर है अपनी क्षमता दिखाते हुए और उन्हें अपने खेलने का प्रयास, अपनी अपनी जगह में सब सुरक्षित और क्या बात है महेंद्र भक्त, उन्होंने कर दिखाया, जैसे जिस चीज के लिए जाना जाता है उन्होंने शायद यकीन वो कर दिखाया। फोर थर्टीन की सर्विस कंटिन्यू के रूप में शमशेरगंज, बड़े अफसोस से ये थर्टीन का सिलसिला या कंटिन्यू का सिलसिला चलता हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा सर्विस चेंज करनी होगी, थर्टीन फोर शमशेर महारपुर की जानिब से, पश्चिम के जानिब से सर्विस और यहाँ पे और कंटिन्यू सर्विस गेंद बॉल महारपुर के जानिब से गेंद बॉल और उन्हें गेंद बॉल को खड़े सिंह देश को दोनों को चीरता हुआ फाड़ता हुआ बॉल को धरती में चुन नहीं लिया और यहाँ पे गेंद बॉल होते होते रुक गए। अब सर्विस चेंज कराने में कामयाब। फोर फोर्टीन की सर्विस शमशेरगंज, शमशेरगंज काफी लाजवाब वापसी करता हुआ लेकिन बहुत पीछे रहे हैं, उन्हें चाहिए कि जवाबी हमला करे लेकिन शायद ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो महारपुर के सारे खिलाड़ी और पहले नेट कर बैठे, जंपिंग जैसे किया, हाथ में टच कर बैठे और गेम बॉल कराने में कामयाब। महारपुर को चाहिए बड़ी समझदारी से चतुराई से इस बॉल को अंजाम दे, अपने खेमे में लाए, इससे गेम कराने में परेशानी ना हो। अब गेम बॉल को किस अंदाज से संपन्न कराने का जो प्रयास है वो देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन ऐसा और क्या बात है और इन्होंने
बिल्कुल इनका फायदा मिलता हुआ हम काम गुटियों का नाम सर्विस कराने में कामयाब 414 की सर्विस शमशेरगंज यही सिलसिला चलता हुआ चेंजिंग का सिलसिला यह चलता हुआ। अभी देखने वाली बात यह है कि किस तरह का खेल यहाँ पे दिखाते हुए दोनों टीम जिनका देश अभी से इंतजार कर रहे थे अब ये सब लोग अपनी नींद को छोड़ छाड़ के यहाँ क्या शानदार तरीके से ब्लॉक किया और ब्लॉक करने के दरमियान इनका जो रफ्तार है स्कोर बोर्ड में 514 की सर्विस शमशेरगंज। एक समय लगा था कि खाता भी नहीं खोलने देगा शमशेरगंज को लेकर ऐसा कुछ नहीं है वहाँ खिलाड़ी पहले से मौजूद उन्होंने देखा जांचा परखा और बॉल को गेंद करने का प्रयास और यहाँ पे खिलाड़ी पहले से तैयार नहीं थे जिसकी वजह से इन्हें घर में जाने करना पड़ा 614 की सर्विस शमशेरगंज जानिब से टाइम आउट लेता हुआ नई प्लानिंग करते हुए नई स्ट्रैटेजी अपनाते हुए कि किस तरह से मैच को जीता जाए क्या प्लानिंग होगी क्या नई रणनीति होगी इस मैच को जीतने के लिए दोनों का प्लानिंग जितना स्ट्रांग होगा जीत अक्सर उन्हीं की होगी क्योंकि प्लानिंग के हिसाब से खेलने वाले को ही जीत मिलती है देर से भी खेला जाए तब भी जीत मिलने का आसार होता है लेकिन दोनों ही अगर देर से खेले तो जीत किसकी होगी कहना बड़ी मुश्किल है तब ये कांटे का टक्कर होगा और यहाँ पे धीरे धीरे अपना कंटिन्यू भैया कंटिन्यू खाली आप तो बॉल मत घेने देखे मेरा आज आप तो बॉल मत घेने हेलो चलो ठीक है शमशेरगंज ने मेहरपुर ने काफी जीते जहां करने के दरमियान उन्होंने पहला अंक अर्जित किया लेकिन बेस्ट ऑफ फाइव है अब लोग बेस्ट ऑफ फाइव को किस अंदाज से देखता है कि आप बेस्ट ऑफ फाइव तक पहुंचेंगे कि पहले ही फिनिश लाइन में अपना काम को अंजाम देंगे और लाइन्स मैन खड़े हो जाए परेशानी होता है तो कमेंट्री में मिलेंगे कमेटी में मिले आपके लाइन्स मैन खड़े होके आप डिसीजन दिए लाइन्स मैन कोना में लाइन्स मैन जो खड़े हुए हैं बैठे हैं क्योंकि खड़े हो जाए क्योंकि थोड़ी देर के लिए आपसे झगड़ा हो जाएगा फिर अच्छा नहीं लगेगा कमेटी को अच्छा नहीं लगेगा और कमेटी यकीन पूरा राज जानपुर के इस मैच को संपन्न कराने का जो बड़ा